नमस्कार सत श्री अकाल कॉपी टू ऑल। मैंने कहा बहुत लेक्चर देती रहती हूँ, आपको बोर करती रहती हूँ, लेकिन आजकल तो सीजन है जो, और उस सीजन का लुत्फ उठाना चाहिए हमें, और उस लुत्फ उठाने के लिए कुछ मीठा हो जाए आज। बनाना तो आपको ही पड़ेगा, लेकिन चलो बनाना मैं सिखा देती हूँ। और आजकल मौसम है आम का, तो पिछली बार मतलब काफ़ी टाइम पहले मैंने एक बार आम का कुछ सिखाया था, याद करना या पुराना वीडियो देखने जाना। तो आज भी हम कुछ बनाने जा रहे हैं जो आजकल सीजन है। सबसे पहले लेंगे आम, पका हुआ आम और मीठा आम, और इसको कट कर लेंगे छोटे छोटे टुकड़ों में। पहले ये अब हमने कट कर लिया, और अब इसको मिक्सी में इसका पल्प बना लेंगे ऐसे। अब हम लेंगे नारियल, और ये जो इसका हार्ड वाला छिलका होता है इसको निकाल लेंगे, चाकू से इजीली निकल जाता है, और इस तरह से ये हो जाएगा। अब इसको भी ग्राइंडर में डालकर ग्राइंड कर लेंगे ऐसे। आम का जो मैं आपको दिखा चुकी हूँ, ये मिल्क पाउडर, ये कोकोनट, नारियल और ये थोड़ी सी शक्कर। तो अब कैसे बनाना है हमने, तो ये कोकोनट डालेंगे इसके अंदर, अब इसको थोड़ा सा पहले ड्राई करेंगे। ये जैसे थोड़ा सा ड्राई होना शुरू हो गया है, तो अब इसके अंदर हम डालेंगे मैंगो। अब इसको सिम गैस पे धीरे धीरे जैसे जैसे पकता रहेगा, लेकिन साथ साथ हिलाते रहना है, इसको छोड़ना नहीं है, नहीं तो नीचे लग जाएगा। बस ऐसे जैसे गरम गरम हो रहा है सूखेगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन बहुत अच्छा, इसको अच्छे से सुखा लेना है। अब जैसे आपको दिखा रही हूँ काफी थिक हो गया है हमारा, काफी रिड्यूस हो गया है, सूख गया है थोड़ा सा। तो अब इसमें डालेंगे हम, सबसे पहले डालेंगे ये मिल्क पाउडर डालेंगे, और थोड़ी सी डालेंगे शक्कर। वैसे तो मीठा है, आप मीठा चेक करके डालिएगा, मीठा आम होना चाहिए, मीठा आम है तो आप कम मीठा डालेंगे, और साथ में ये डालेंगे थोड़ी सी इलायची। अब मिठाई बना रहे हैं तो मीठा कम क्यों हो भाई, इसको धीमी गैस पे लगातार चलाते रहेंगे। अब ये हमारा हो गया है डन। अब इसको थोड़ा रेस्ट देंगे, मतलब थोड़ा सा ठंडा हो जाए, फिर बताते हैं क्या करना है इसका। तो अब ये हमारा हो गया है ठंडा, अब इसके हम बनाएंगे मैंगो लेंगे, और ये चम्मच से थोड़ा सा इसको ऐसे रोल करेंगे गोल 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 गोल, और इसको डालेंगे नारियल के रूप में, और फिर हम और इसके ऊपर आप कोई भी ड्राई फ्रूट लगा सकते हैं, जैसे मैं पिस्ता लगा रही हूँ। ऐसे ही थोड़े थोड़े करके लेते जाएंगे और बनाते जाएंगे लड्डू। साइज आप कोई भी बना सकते हैं।